अभी हम लकी हाईटेक नर्सरी NH28 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 28 गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हैं और हमारे सामने एक बेर का पौधा दिख रहा होगा। तो जो किसान भाई व्यावसायिक लेवल पर कमर्शियल लेवल पर बेर की खेती करके आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं वह बेर की खेती कर सकते हैं और उसकी उन्नत वैरायटियों की खेती करें जिससे उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हो। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मंगला मौर्या जी हैं जो इसके प्रोप्राइटर हैं और हार्टिकल्चर क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते हैं, बागवानी के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो कौन सी वैरायटी किसान भाई रोपें, कैसे आपसे पौधे प्राप्त कराएँ, कितनी लागत लगेगी, एक एकड़ में कितने पौधों की ज़रूरत पड़ती है और लाभ का क्या हिसाब किताब होता है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और बताएं कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नर्सरी पर आपका। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका एप्पल बेर का पौधा है। जैसे बेर एक नॉर्मल हम लोग खाते आए हैं 20 ग्राम 10 ग्राम तक का रहता है, बड़े साइज वाला 10 से 20 ग्राम। तो इसका जो आपका औफत साइज रहेगा 50 ग्राम, एक फ्रूट की साइज आपका 50 ग्राम रहेगा। और ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अगले साल से ही 8 से 10 किलो उत्पादन देना शुरू कर देगा और आपका 80 से 100 किलो तक जाएगा। जी जी जी। तो ये जो है आपका शुष्क क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है या जहाँ आपका पानी के साधन कम है, ज़्यादा सिंचाई की इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ। बलुई मिट्टी के लिए अपने यहाँ के लिए बहुत अच्छा फसल है। अगर आप इस व्यवसायिक रूप से अगर इससे जुड़ना चाहें तो यहाँ कुछ लोग लगाए हैं, अपने जनपद में भी कुछ लोग लगाए हुए हैं। 1 बीघे में वो लोग करीब 1-1.5 लाख रुपया अर्निंग कर लेते हैं। तो मेहनत अगर देखा जाए तो मेहनत ना के बराबर है। एक बार कटाई छटाई जरूरत होती है, थोड़ा न्यूट्रिशन, बाकी बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर हम इसका पर एकड़ पौधों की बात करें तो लगभग 200 पौधे के आसपास प्रति एकड़ में रोपे जाएंगे और अगले साल से ही आपका ये 10 से 15 किलो उत्पादन देगा। उसके बाद जो है 20-30 किलो 40 किलो प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा। तो अगर अच्छे उत्पादन में, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कम रहेगा, प्रति एकड़ आपका 1.5 से 2 लाख होगा, लेकिन अगर आप अच्छा उत्पादन हो गया चार साल बाद तो आपका करीब 4 लाख रुपये आपका शुद्ध बचत होगा। जी जी। 4 से 5 लाख रुपये शुद्ध बचत, क्योंकि केवल खर्चा आपका जो मेजर खर्चा है आपका इसका आप जब प्लांटिंग करवाएंगे, ट्रांसप्लांटिंग जब आप प्रूनिंग पर थोड़ा लेबर चार्ज तो हमेशा, मेन खर्चा आपका पौधे पर लगेगा, क्योंकि पौधे का एक साथ लगना रहेगा। तो आपका एक पौधे की कीमत है एवरेज जो हम लोग फुटकर में बेच रहे हैं 80 से 90 रुपये रहता है। तो अगर कोई किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं तो उनको जो थोक रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। जी जी। उसमें कोई ये नहीं है कि जो फुटकर है वही हम थोक में देंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट हम उनको लाके उपलब्ध करा देंगे। किसान भाई अगर रुपाई की बात कर लें तो पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखें? जैसे है कि आपका 10 से 15 फीट रखा जाता है, उसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, बशर्ते जो बाकी आपकी कल्चरल प्रैक्टिस है जो उसमें आपका प्रूनिंग करना हुआ, जुताई करना हुआ, बीच में खरपतवार हो जाते हैं फ्रूटिंग टाइम पे भी, तो उसका खरपतवार नियंत्रण के लिए ये ज़रूरी होता है कि बीच में मैनुअल तो कुदाल पे करना बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो कोई टिलर से कर रहा है, छोटे वाले ट्रैक्टर से कर रहा है, तो आसानी से वो चला जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखा है। डिस्टेंस उसी हिसाब से रखा जाता है, बाकी ये बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है। जब इसका कटिंग हो जाएगा पूरी, जो मोटी शाखाएं फिर नीचे से निकलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कम, यही है कि अगर आप मैकेनिकल पे जा रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि लेबर कम करके हम कोई छोटा सा टिलर रख लें, अपना खुद से ही कर लें, तो ये अच्छा है कि आपका जो डिस्टेंस है उसको अच्छे से आप 15 फिट पे आप इसे लगाएं, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी आपका 15-15 पे रखेंगे, तो लगभग 200 पौधे के आसपास है टोटल आपके यहाँ पौधे लगेंगे। अच्छा, बेर में एक जो बड़ी समस्या होती है तुड़ाई के दौरान, इसमें तो अभी कोई भी कांटा नहीं दिख रहा है, तुड़ाई में कांटे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस बेर में जितने भी पौधे दिख रहे हैं किसी में कांटे नहीं दिख रहे हैं। कांटे नहीं है, चूँकि बेर अब चूँकि कटीला है, ये आपका जो है एरिड जोन का है, जहाँ मतलब का शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। जी जी। तो अगर एरिड जोन में क्या होता है कि आप देखते होंगे जो हम लोग बबूल हो गया ये सब नागफनी जो हाँ, तो पत्तियाँ या फिर उसका जो है रूपांतरित हो जाती हैं कांटे में, तो वहाँ ज़्यादा कटीले पौधे ही होते हैं, तो ये भी उसी क्षेत्र का तो कटीले रहते हैं। चूँकि ये आपका हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है, ये थाईलैंड का इम्पोर्टेड है, आपको दूसरी जगह से आया हुआ है। जी जी। तो देख रहे हैं थाई वाले हर एक चीज़ आपको उसका साइज बड़ा कर दिए हैं, अपना जो भी आपका प्रजाति डेवलप करके, तो ये है कि इसमें कांटा ना के बराबर रहता है,
तो जैसे आपका कुछ करने के लिए आपका मान लीजिए तोड़ने उड़ने में कोई बहुत समस्या नहीं होगी, लेबर भगेगा नहीं, जो आप मान लीजिए बाकी चीज़ के लिए बहुत समस्या होती है कि लेबर कहता नहीं ये काम नहीं कर पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें ये लेबर को भी कोई किसी तरीके की समस्या नहीं होती है। तो अभी हम लकी हाईटेक नर्सरी पे हैं और यहाँ हम आपको बेर की खेती के व्यावसायिक खेती के बारे में बता रहे थे, और जो आप पौधा देख रहे हैं या एप्पल बेर का पौधा है और इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, इसके बारे में पूरा टेक्निकल नॉलेज व्यवहारिक नॉलेज मंगला जी ने दिया। हमारे खेत पे जो लगा हुआ है अभी चल के उसे भी हम लोग देख लेंगे। हमारे खेत पे हम जो है दो चार पौधे लगाए हुए हैं, अभी हमारा जनवरी लास्ट का था आई थिंक, तो पौधे भी देख लेंगे कि अभी हमारा मुश्किल से 4-5 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ किया है, तो आपका आने वाले समय में भी ग्रोथ और अच्छा जाएगा, तो उससे कम से कम उत्पादन अगर देखा जाए तो 10 से 15 किलो उत्पादन देने के लिए वो सक्षम है अभी से ही। जी तो अभी मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि व्यावसायिक लेवल पर खेती करने के लिए एप्पल की बेर की किस्म सबसे मुफीद है, उसकी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आपको बताई गई, मुनाफा बताया गया। तो आप भी अगर एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं तो चलते चलते मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना बेर का पौधा बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन पौधे उपलब्ध नहीं है, ऑफलाइन आपको यहाँ नर्सरी से ही खरीदने होंगे, तो आप नंबर नोट कर लें। जैसे मैं सभी वीडियो में अपना नंबर बताता रहता हूँ, तो हमारे नर्सरी का नंबर है 79-85-40-53-54 7985405354। इस पर आप कॉल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा जैसे भी आप संपर्क करेंगे, हम यहाँ से जो है तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, जैसा होगा। हम उत्सुक हैं कि आप लोग जो है हमसे संपर्क करते रहें। तो धन्यवाद।